हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अभी हम पूर्वी चंपारण के गोढ़वा पंचायत में हैं और हमारे साथ इस पंचायत के एक किसान हैं। वो केले के विषय में बातचीत करेंगे कि उन्होंने अपने खेत में किस तरह का केला लगाया हुआ है और कौन सा केला है, कितने दिन में होता है। तो राम अयोध्या जी, ये बताइए कि आपने जो ये केले की खेती की हुई है, तो ये केले की खेती कितना ज़मीन में आपने किया है? 10 कट्ठा में किए हैं। तो कौन सा केला का वैरायटी है ये? इसको अल्पान कहता है लोगो और चिनिया भी कहता है लोग, दोनों नाम इसका एक ही है। अल्पान और चिनिया से तो मुझे समझ में आ रहा है कि मीठा केला। हाँ, मीठा केला होता है, बहुत मीठा केला होता है। अच्छा। लगाने की क्या विधि है, कितने कितने दिन में ये होता है, ये सब बातें बताइए। हाँ, इसको लगाने के लिए पूरा ट्रैक्टर से जो है कि इसको खेत तैयारी किया जाता है और तैयारी करने के बाद बिछी लाया जाता है। बिछी ला करके इसको लमसम 10 फीट पे जो है कि इसको पौधा लगाया जाता है। बिछी मतलब हो गया वो पौधा का जो होता है ना, छोटा सा पौधा, उसको बिछी ये लोग बोलते हैं। और कहाँ से लाते हैं वो? दूसरे खेत से, बगीचे दूसरे बगीचा से लाते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। अपने बगीचा चाहे दूसरे का खेत से बिछी उखाड़ करके उसको लाते हैं पौधा को, तो लगाया जाता है। गड्ढा खोन करके उसको रोपा जाता है, पानी का सिंचाई किया जाता है, मौसी दिया जाता है, चलानी भी दिया जाता है। तो साल भर की अंदर में उसमें से जो कि वो गोद निकलेगा, उसका बाद में जो है कि 2-3 महीने के बाद जो है कि वो गोद कटता है। एक बात, ये इन्होंने शब्द का यूज किया मवेशी, मतलब कि जो जीव जंतु घर पालते हैं लोग, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इनसे जो गोबर निकलता है वो खाद के रूप में, कंपोस्ट खाद के रूप में वही देते हैं। और कुछ चलानी का मतलब ये हुआ कि ये मार्केट से जो खाद होता है, यूरिया वगैरह, वो सब खरीद के लाके वो देते हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो पौधा है लगाते हैं, ये पौधा 1 साल में होता है। और डिस्टेंस के बारे में है तो 8x8 के या 10 फीट के डिस्टेंस में ये लगाते हैं। ये बताइए कि आप जो पौधा खरीद के किसी के खेत से लाते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है लगभग? बहुत। कितना रुपया लगता है पौधा का? कितना रुपया लगता है पौधा का? पैसा नहीं लगता है। अच्छा, अगर कोई खरीद के लाना चाहे तो कितना मिलेगा? हाँ, अगर कोई खरीद रहा है तो लमसम बुझे कि उसको 100 रुपया लगता है एक पौधा के। 100 रुपया एक पौधा का लगेगा। ये पौधा आपने कब लगाया था? हम तो लगाए हैं 2012 में। 2012 में जी। और कितने दिन में आपका हो गया उस समय? साल भर के बाद जो है कि तैयारी हो गया। साल भर के बाद देने लगा पैसा। अच्छा, उत्पादन होने लगता है तो इसे आप कहाँ बेचते हैं, किससे बेचते हैं? उत्पादन हो गया तो जैसे कि देहात टाउन से जो है कि, चाहे देहात का जो है कि व्यापारी आता है यहाँ बगीचा में, और उससे जो है कि ये मूलधन जो है कि बात किया जाता है, और तब हम लोग केला उसको देते हैं, व्यापारी को देते हैं थोक में। तो पूरा पेड़ पौधा सहित बेच देते हैं या फिर काट के बेचते हैं? नहीं, काट के देते हैं। कितना रुपये बेचते हैं जैसे, कुछ आइडिया दीजिए? हाँ, वही 300, 400, 500, 600 रुपये घोद ऐसा रेट में बिकता है। अच्छा, हमारे यहाँ छठ जो होता है, हाँ, उस समय क्या कॉस्ट मिलता है और साधारण समय क्या मिलता है, ये बताइए। सबसे पहले कि ये नीचे से दाम में जो है कि 400 रुपये, और ऊपर जो है कि ये 700-800 रुपये घोद बिकता है यहाँ खेत से। इसका मतलब मार्केट रेट क्या होगा? मार्केट रेट वही होगा, 800-900 रुपये घोद बिकता है। छोटा से छोटा घोद होगा तो 10 दर्जन का होगा, उससे छोटा घोद नहीं होता है। तो एक घोद में 10 दर्जन से लेकर 20 दर्जन तक केले निकल जाते हैं, और उसका रेट जो है लगभग 600 से लेकर लगभग 1000 या 800 तक आपको मिल जाता है सीजन के अनुसार। हमारे यहाँ छठ में केले का डिमांड ज़्यादा होता है और अन्य दिन कम होता है, लेकिन उस समय भी इनको अच्छा रेट मिल जाता है। तो अब तक इसमें कितना आपको खर्च लगा और कितना कमा चुके हैं 2012 से अब तक? इसमें खर्चा होता है दो महीना पर इसमें खाद दिया जाता है, चलानी और पानी का सिंचाई किया जाता है, तो लमसम मानिए कि दो महीना पर तो लमसम 2-3 हज़ार से 4 हज़ार रुपया खर्चा लगता है। और जन मन दवा दारू सब लेकर के मैंने कुछ बढ़ जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। 5 हज़ार तक ले अंतिम, मैंने 5 हज़ार एक दो महीना पर 5 हज़ार 10 कट्ठा के खेत में। और इनकम कितना हो जाता है? इनकम महीना में मैंने वही होगा आपको 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपया महीना में आ जाएगा।
अच्छा, कल कुल मिलाकर 10,000 खर्च है और 25,000 इनकम है, मतलब महीना में 5,000 खर्च है। हाँ, 5,000 खर्च है और 25,000 इनकम है। 25,000 इनकम है तो कुल मिलाकर 20,000 का प्रॉफिट है हर महीना। और 2012 से ये पौधा लगाए हुए हैं और 2012 से लगातार इनकम कर रहे हैं और अच्छा खासा इनका खेत देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ खेत, ये देखिए हमारे पीछे और चारों तरफ देखिए कैसे कैसे ये खेत है और केले चारों तरफ निकले हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से पूर्वी चंपारण के किसान राम अयोध्या प्रसाद ने अपने 10 कट्ठा के खेत में जो है उन्होंने खेती की हुई है और हर महीने जो है लगभग 2500 रुपया, हर दो महीने पर 5000 रुपये का जो है इस पे एक्सपेंस करते हैं और इस तरह से लगभग महीने का वे 20,000 रुपया कमाते हैं। और ये खेती वे 2012 से लगातार करते आ रहे हैं। तो इस तरह से पूर्वी चंपारण के किसान केले की खेती करके अब नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और इस तरह से केले की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।